नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज मुझे एक वाक्य याद आ गया। विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बोले उनको सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? दरअसल महिलाओं का मामला था। एक वो वीडियो आपको दिखाएंगे और एक आज का वीडियो। आज का भी मसला महिला से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान से पहले ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। बहुत बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं। यहां सारी रात नींद नहीं आई मुझे। कल महिला दिवस था और महिला दिवस सारे देश ने, दुनिया ने खूब अच्छे प्रकार से मनाया। विधानसभा में भी पूरे सत्र का संचालन ये समर्पित किया गया महिलाओं को। लेकिन यहां से जाने के बाद जब मैं टीवी देखता हूं, एक ऐसा भोंडा दृश्य, बंधुआ मजदूरों से भी बड़ा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। हमारे हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें, हमारी कांग्रेस की एमएलए बहनें खरीद रही हैं, और हमारी कलानौर की विधायक बहन शकुंतला खटक, और हमारे ये ऐसे ही नहीं है। और ये सिद्ध करने ये नहीं था, मीडिया झूठ नहीं बोलता, टीवी पर चला है। और ये बैठे थे वहां ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा होता मान लो इनको एक प्रदर्शन करना भी था, बहने ऊपर बैठ जाती है, ट्रैक्टर खींचते, ये लगते आगे, ये उसको जैसे खींच रहे थे बंधुआ मजदूरों की तरह, ये बनते खुद एक बार, प्रदर्शन का मजा भी आता, पता भी लगता। बता दे मुझे, कांग्रेस के सारे विधायक ये दृश्य था कि नहीं था? ये दृश्य था। सारी रात मैं सो नहीं पाया हूं, शर्म करनी चाहिए। मैंने सोच लिया, नहीं लिया जाएगा। वो आज भी कह रहा, मैंने सोच के बैठ दे रहा हूँ, नहीं लिया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। कि मॉरल ग्राउंड पर ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? अगर इनकी एक एक चीज सुनानी शुरू कर दी, धज्जियां उड़ाएंगे, धज्जियां उड़ाओ इस प्रकार से, इस प्रकार से किसी को धज्जियां उड़ा करके हम ये करें, जिसको जो करना करेगा। तो सुना आपने, खट्टर साहब के आंसू किस बात को लेकर निकले थे? उनको सारी रात नींद नहीं आई थी। कांग्रेस की महिला विधायकों के ट्रैक्टर को खींचने को लेकर खट्टर साहब बहुत दुखी थे और वो सारी रात सो नहीं पाए थे। अब आते हैं दूसरी वीडियो पर, जिसमें खट्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया, मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। एक बार पहले भी उन्होंने कहा था इस्तीफा नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, खट्टर साहब कांग्रेस की महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने पर तो भावुक हो जाते हैं, लेकिन मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे पर तैश में आ जाते हैं और कहते हैं इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। खट्टर साहब, ये भी एक बेटी एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है। आपको तो एक दिन नींद नहीं आई, क्या आपने कभी उससे पूछने की कोशिश की कि वो पिछले 8 महीने में कितने दिन सो पाई? वो पिछले 8 महीने से न्याय मांग रही है और आपकी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिस मसले को लेकर विपक्ष उस मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था और आपने विपक्ष को कहा कि आप उनकी धज्जियां उड़ा देंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसा लगा कि आप उनको धमका रहे हैं कि इस मसले पर चुप हो जाइए, नहीं तो उनके किस्से आप निकाल कर ले आएंगे। खट्टर साहब, आप उनकी धज्जियां उड़ाइए, उड़ानी भी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसकी धज्जियां तो उड़नी ही चाहिए। और आप तो सूबे के मुखिया हैं, आपको कौन रोक सकता है? तो गलत काम करने वालों की धज्जियां उड़ाने में इंतजार किस बात का? आपको यह काम तो प्रायोरिटी पर करना चाहिए। लेकिन
एक बार उस जूनियर महिला कोच के मामले पर भी सोच विचार आपको करना चाहिए। आप तो फैसला सुना रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। वहीं कल ही जब एक पत्रकार ने आपसे इस मसले पर सवाल किया था तो आपने क्या कहा था, जरा सुनिए। छेड़छाड़ मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। देखिए, जो होता है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अभी सब जूडिस के नो कमेंट। सीएम साहब, कल आपने कहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और आज आपने उस पर कहा कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर मंत्री संदीप सिंह को बीजेपी की एक बैठक में नहीं बुलाया था। वहीं खट्टर साहब को संदीप सिंह के एज ए मंत्री विधानसभा में आने और सरकार में बने रहने पर कोई एतराज नहीं है। खैर दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर जो आज हमने चर्चा की है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम हरियाणा और देश के लोग इस पर अपनी राय दे सकेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे तो आने वाली वीडियो भी देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।